बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है, 3 महीने हो गया और अभी तक हमारा पासपोर्ट नहीं आया। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस रीजन के वजह से जो है हमारा पासपोर्ट इतना डिले होता है और कौन सी गलती हम करते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम रीजन के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो रीजन देखो कौन कौन से रीजन के वजह से जो है आपका पासपोर्ट डिले हो सकता है, इतना लंबा हो सकता है सिनेरियो। देखो सबसे पहला जो मेन होता है वो होता है कि पुलिस केस अगर आपके ऊपर रहता है तो ये सिनेरियो ज़्यादा रहता है। अगर आपके ऊपर पुलिस केस हुआ है तो इस चांसेस में अगर आपने छुपाया हुआ है, आपने बताया नहीं है पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर या फिर अप्लाई करने के टाइम पर आपने मेंशन नहीं करा है, तो उस कंडीशन में जो है आपका फाइल जो है बहुत ही लंबे समय तक रुका रहेगा। ये 2-3 महीने की बात नहीं है भाई, ये जब तक नहीं क्लियर होगा, जब तक आप कोर्ट से NOC लाकर नहीं दोगे उन्हें, ठीक है, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, दूसरे जो कारण हो सकते हैं आपके मार्कशीट का, अगर आप डुप्लीसिटी वाला काम करते हो, देखो कोई भी अगर आप लोगों में से कर रहा है तो अगर वो डुप्लीसिटी वाला काम करता है तो मार्कशीट वेरीफाई के लिए बोर्ड के पास जाती है तो इसमें टाइम लग जाता है, और अगर पता चलता है कि ये डुप्लीसिटी वाला काम है तो वहीं पर वो फाइल को रोक दिया जाता है। और कई सिनेरियो में देखा गया है कि मार्कशीट ओरिजिनल होने के बावजूद भी बहुत डिले होता है, तो इसके पीछे के कारण है कि बोर्ड के पास जब हमारी फाइल जाती है, हमारा मार्कशीट चेक करने के लिए भेजा जाता है, तो इसमें थोड़े टाइम लगते हैं। ठीक है, ये 2 कारण हो गए। तीसरे कारण की हम बात करें तो इस कारण से भी रुकी हो सकती है कि आपने प्रॉपर दस्तावेज नहीं दिया है। जब आप पासपोर्ट ऑफिस गए हो तो हो सकता है कोई एक आध दस्तावेज देने में आपसे मिस्टेक हो गई हो, या तो पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई दस्तावेज देने में मिसिंग हो गई हो, तो इस कारण से भी आपकी फाइल को वहां रोक दिया जाता है। फोर्थ जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है कि आपने कहीं सिग्नेचर अपनी फाइल में नहीं करा हो, जिसके वजह से भी आपकी फाइल को रोक दिया जाता है। फिफ्थ जो प्रॉब्लम होती है, देखो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, फिफ्थ जो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जो जेरोक्स दिया होगा पासपोर्ट ऑफिस या फिर पुलिस वालों को वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो वो अगर क्लियर जेरोक्स नहीं रहता है तो उस कंडीशन में भी आपकी फाइल को रोक दिया जाता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में और आपके पासपोर्ट को नहीं भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी हाँ, और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अभी के टाइम पर देखोगे जितने लोग कोलकाता साइड से हैं उनसे जो है आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर जो है उनसे बोला जा रहा है कि आप प्रूफ करो अपनी नेशनलिटी, और नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी है कि वो एक्चुअल में जो है इंडियन है। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ से माइग्रेशन जब से चालू हुआ है तब से बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से आपकी फाइल, आपका पासपोर्ट बहुत ही लंबे समय तक रुका रह सकता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में और वहाँ से भेजा नहीं जा रहा है, वहाँ पर रोक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने डिस्कस कर लिया जो प्रॉब्लम है, अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर कि आखिर में अगर ये सारे रीजन की वजह से हमारा पासपोर्ट रुका है तो इसका सोल्यूशन क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पासपोर्ट इस रीजन से रुका है। देखो सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा, अगर आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से लेटर आता है तो लेटर में लिखा होता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको आपका जो है पासपोर्ट रुका हुआ है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लेटर नहीं आया तो इसका मतलब आप समझ लो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका किस रीजन से रुका। तो देखो रीजन आपको नहीं पता चलेगा, जिनको लेटर आता है उनको ही वहां पर रीजन पता चलता है और उसमें लिखा होता है कि ये दस्तावेज लाना है, लेकिन अगर आपको लेटर नहीं आया तो भी आपको जो है स्टेटस अपना चेक करना है। स्टेटस चेक करोगे तो वहां अगर आपको शो कर रहा है 2 महीने 3 महीने 4 महीने से शो कर रहा है कि आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है, तो उस कंडीशन में भी आप समझ लो कि अगर आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी होती है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर जाना होता है RPO। देखो जिनको लेटर होता है उनको पहले से पता चल जाता है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपके पास लेटर नहीं आया। और अगर आपका स्टेटस कंटिन्यूसली जो है 3-4 महीने से सेम ही दे रहा है तो इसका मतलब आपको RPO जाना पड़ेगा। अब इन सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको RPO जाने के बाद मिलेगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जब आप जाओगे तो वहाँ पर ही आपके प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन मिलने वाला है और कहीं से आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुक करना है। अब देखो बहुत सारे RPO में जो है बिना अपॉइंटमेंट के भी एंट्री मिल जाती है, जैसे बहुत सारे RPO जहां पर अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे लखनऊ साइड में हो गया आपका, अभी दिल्ली का भी शायद चालू कर दिया लोग, 2-3 जगह ऐसे हैं जहां पर अपॉइंटमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट जाओ तो एंट्री हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम RPO में जो है बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री नहीं मिलता है, और अगर वहां पर एंट्री आपको नहीं मिल रहा है तो वहां का आपको अपॉइंटमेंट बुक करके फिर आपको RPO जाना होता है, और अपॉइंटमेंट बुक अगर आप
आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पर्सनल कंसल्टिंग लेना है, मेरे से डायरेक्ट बात करना है, तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाते हो तो वहां जाने के बाद अपॉइंटमेंट लेकर जब आप जाओगे तो जिस प्रॉब्लम से भी रुका है आपको सिंपली वहां जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो तो विद इन 10 और 15 डेज के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम आपके जाने के बाद भी सॉल्व नहीं हुई है, कोई ना कोई इशू रह गया, तो वो पासपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक आपका पासपोर्ट नहीं आएगा। जब आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाओगे अपने सारे दस्तावेज लेकर, तो आपको वहां पर आपकी प्रॉब्लम पता चलेगी कि किस रीजन से रुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो ये रहा, कंसेप्ट पूरा था कि आपका अगर 3-4 महीने से अगर पासपोर्ट स्टेटस पेंडिंग है, नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो, तो उसका सोल्यूशन क्या है, आज के इस वीडियो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार, चैनल को आप सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।